हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं पॉलीनोमियल रिंग के बारे में बताऊंगा, उसका डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और मेरे द्वारा एक ऐप्स लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप्स, जिसमें मैथमेटिक्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सारा टॉपिक्स का अवेलेबल है। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप्स में मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का डिफरेंट डिफरेंट कोर्स बनाया हुआ है। आप जो भी कोर्स आपको पढ़ना हो उस कोर्स को आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बाय कर सकते हैं। उस कोर्स के अंदर जो भी सिलेबस मेंशन किया हुआ है उसका सारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल है और साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। मैं कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहा हूँ और आपके जो भी डाउट होंगे जब आप उसको कोर्स को बाय कीजिएगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को देखिएगा, तो उसके अंदर जो भी डाउट होगा उस डाउट को आप चैटिंग के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट को रिजॉल्व करूँगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नया लगेगा और आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। लेकिन इसके पहले रिंग के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए रिंग के बारे में। आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखिए पॉलीनोमियल रिंग है क्या। तो पॉलीनोमियल आप लोग स्कूल लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं, अंडर टेंथ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं पॉलीनोमियल के बारे में। यहाँ पर पॉलीनोमियल रिंग है। तो पॉलीनोमियल है क्या, जैसे आप जो स्कूल लेवल में जहाँ पढ़े हैं वो इस तरीके के फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसी को पॉलीनोमियल कहते हैं। यहाँ पर ए एन एक्स टू द पावर एन तक है। पॉलीनोमियल को एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो एन जो है वो ये नेचुरल नंबर होता है, एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है और जितना भी ये कोएफिशिएंट कहलाता है, ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, तो ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन जो है वो रियल नंबर होता है। ये आप लोग इसको लेवल में जब पढ़े थे तो वहाँ पर रियल नंबर, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है यहाँ पर, तो रियल नंबर अगर रखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीनोमियल कहते हैं, पॉलीनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन, और ये एनथ डिग्री का पॉलीनोमियल कहलाता है अगर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो है, तब इसका कोएफिशिएंट अगर नॉट जीरो है तब इसको हम लोग पॉलीनोमियल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब, सपोज कीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्लस जीरो एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो टर्म मिसिंग था, जैसे x का टर्म नहीं था, 2 के बाद सीधे एक्स स्क्वायर था, तो x का जो टर्म नहीं था तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आप कोएफिशिएंट देख रहे हैं, कोएफिशिएंट सब क्या है, रियल नंबर है। अभी तो फिलहाल यहाँ इंटीजर्स दिख रहा है लेकिन कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो ये एक पॉलीनोमियल हो गया। पॉलीनोमियल को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर जो पढ़ना है पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग, रिंग में पॉलीनोमियल पढ़ना है। तो रिंग में पॉलीनोमियल कैसे डिफाइंड करते हैं, सबसे पहले कोई एक रिंग लेते हैं और रिंग में होता क्या है, थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ पर रिंग के बारे में कर रहा हूँ कि रिंग होता क्या है। आप एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए R, एक नॉन एम्प्टी सबसेट, उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन लीजिए, एक प्लस और दूसरा डॉट से डिनोट कर रहे हैं ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन को, प्लस से और डॉट से। नॉन एम्प्टी सबसेट लिए, उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन को प्लस से डिनोट कर रहे हैं और एक बाइनरी ऑपरेशन को डॉट से डिनोट कर रहे हैं। अब दो बाइनरी ऑपरेशन लेने के बाद ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग कहेंगे अगर वहाँ पर सिक्स प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। तो सिक्स प्रॉपर्टीज जो है उसके पहले दो प्रॉपर्टीज और लिख लेना पड़ेगा कि ये जब बाइनरी ऑपरेशन है तो इसमें कोई भी दो एलिमेंट अगर ए और बी लेते हैं, अगर आर का कोई भी मेम्बर लेते हैं तो दोनों का सम भी किसका मेम्बर होगा, आर का, रिंग का मेंबर होगा। फिर अगर कोई भी दो एलिमेंट ए और बी लेते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी आर का ही मेंबर होगा, क्योंकि ये डॉट भी जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन होने के कारण ये आर जो है वो क्लोज्ड भी होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड होगा। तो ये दो कंडीशन तो होगा ही, ये दो कंडीशन को तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सिक्स कंडीशंस और होगा।
तो सिक्स कंडीशंस क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर होगा कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगा, एसोसिएटिव होगा। ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में रखिए या बी प्लस सी को एक ब्रैकेट में रखिए, दोनों इक्वल होगा। साथ में यहाँ पर एक जीरो एलिमेंट मिलना चाहिए, आर में एक एलिमेंट जीरो मिलना चाहिए ताकि ए प्लस जीरो इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो प्लस ए। इस एक जीरो को कहते हैं जीरो ऑफ द रिंग, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग कहते हैं, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग कहते हैं। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए और फिर एडिटिव इन्वर्स भी होना चाहिए, ए के करिस्पॉन्डिंग माइनस ए होना चाहिए ताकि वो दोनों का सम जीरो हो जाए या माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो हो जाए। तो ये तीन कंडीशन हो गया और इसके अलावा एक कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। तो चार कंडीशन एडिशन के रिस्पेक्ट में, एक कंडीशन मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव होना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ए बी को आप ब्रैकेट में रखिए या बी सी को, दोनों को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल आएगा। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, और बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये छः कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे, और ये तो क्लोजर के क्लोजर होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी, तो ये दो प्रॉपर्टीज भी आप उसको भी शामिल कर दीजिए, क्योंकि जब भी रिंग दिखाना होगा तो ये भी दो प्रॉपर्टीज हम लोग जरूर चेक कर लेंगे। तो ये टोटल आठ प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करे तब उसको, उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग कहते हैं। रिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, रिंग का एक एग्जाम्पल इंटीजर्स का सेट ले सकते हैं, इंटीजर्स का सेट डॉट डॉट माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट, और यहाँ यूजुअल एडिशन जो एडिशन होता है उसको लेते हैं और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, उससे एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, मैं यहाँ पर बताया था कि दो बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं जिसको एडिशन से डिनोट करते हैं, एडिशन से डिनोट किया जा रहा है, ये एडिशन ही हो जरूरी नहीं है, एडिशन की जगह कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। तो एडिशन से डिनोट करते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन से डिनोट करते हैं। आप रिंग जब पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल उस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर यूजुअल एडिशन ही ले रहे हैं, इंटीजर्स में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो पहले से जानते हैं कि दो इंटीजर का सम एक इंटीजर ही होता है, यानी कि आई इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर ही होता है, तो डॉट प्रोडक्ट इज आई इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी ये क्लोज्ड होगा। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही। दूसरी चीज, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर जीरो भी है, जीरो किसी के साथ भी आप ऐड कीजिएगा तो वही इंटीजर रह जाएगा, तो एग्जिस्ट कर रहा है एडिटिव आइडेंटिटी भी। इन्वर्स भी है, जैसे वन का इन्वर्स माइनस वन हो जाएगा, टू का इन्वर्स माइनस टू हो जाएगा, थ्री का इन्वर्स माइनस थ्री हो जाएगा, या माइनस थ्री का इन्वर्स थ्री, जीरो का इन्वर्स जीरो ही होगा, तो इन्वर्स भी है। और इंटीजर्स का जो सेट होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव भी होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। इंटीजर्स का सेट जो होता है वो एडिशन मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है इंटीजर्स का सेट में। तो ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक रिंग बन जाएगा। आई इंटीजर्स का सेट में अगर हम लोग एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को भी अगर ले लें तो वहाँ से एक रिंग बन जाता है। इस तरीके से और भी रिंग का कुछ एग्जांपल आपको मिल जाएगा, रियल नंबर का सेट भी जो है वो एक रिंग हो जाएगा, रेशनल नंबर का भी सेट जो है वो एक रिंग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी एक रिंग हो जाएगा, और मैट्रिक्स का सेट अगर 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना दे, या एन बाय एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का सेट बना दे, जितना भी एन बाय एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन सकता है, मान लीजिए उसका जो एलिमेंट रखना है वो मान लीजिए रियल नंबर ही रखना है, तो वो भी एक रिंग बन जाएगा। आप कुछ रिंग का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पॉलीनोमियल रिंग जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पॉलीनोमियल रिंग, पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग, रिंग में ही पॉलीनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं, तो रिंग का ही एलिमेंट यहाँ पर लेना रहता है। देखिए, मैं अभी जो पॉलीनोमियल की बात कर रहा था कि पॉलीनोमियल हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट, इस तरीके से ए एन एक्स टू द पावर एन, ये ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन क्या रखते हैं, रियल नंबर रखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है वो रिंग का मेंबर रखेंगे, रिंग कोई भी एक रिंग लेंगे और रिंग का एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, रिंग के एलिमेंट को, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग। तो करना क्या है,
यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को रिंग का एलिमेंट लेना है। अब रिंग तो कई तरीके से रिंग हो सकता है, जैसे एक रिंग का एग्जांपल मैं ये लिया हूँ, तो रिंग तो एक मैट्रिक्स का जो सेट बनता है वो भी एक रिंग हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स का मैट्रिक्स भी रख सकते हैं, जब रिंग का एलिमेंट रखना है तो यहाँ पर मैट्रिक्स भी रख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स एक रिंग है तो मैट्रिक्स भी रख सकते हैं, वहाँ पर मैट्रिक्स का सेट अगर एक रिंग है तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि नंबर ही हो, यहाँ पर क्या हो, रिंग का एलिमेंट हो, रिंग चाहे जो भी हो उस रिंग का ही एलिमेंट को यहाँ पर रखना है। और रिंग के एलिमेंट को अगर रखना है तो इसको कहेंगे पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग। और इस रिंग को हम लोग इस तरीके से भी तो लिखते ही हैं, लेकिन अब पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग को इस तरीके से लिखेंगे ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, सॉरी ऑर्डर्ड में लिखना है, पेयर नहीं, यहाँ तो कई एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड में लिखना है। सबसे पहले ए नॉट लिखना है, फिर ए वन लिखना है, फिर ए टू लिखना है, मतलब इसमें सबसे पहले इसको लिखना है जिसमें एक्स नहीं है, फिर एक्स का कोएफिशिएंट को लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लिखना है। इस तरीके से अगर ऑर्डर्ड में रख देते हैं, ऑर्डर्ड सेट बनाते हैं इसको, तो इस ऑर्डर्ड सेट को ही हम लोग पॉलीनोमियल कहते हैं। और ये जो एलिमेंट आता है, ये जितना भी है वो सभी कहाँ का मेंबर होता है, एक रिंग का मेंबर होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, ज़रा समझिएगा इसको, मैं समझा रहा हूँ लेकिन इसको पहले मिटा देता हूँ उसके बाद समझाऊँगा। तो पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि लेट आर वी ए रिंग, आर हम लोग कोई भी एक रिंग ले रहे हैं, लेट ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए आई डॉट डॉट बिलोंग्स टू आर, ये जो इतना भी एलिमेंट है आर का है, और भी आर्बिट्ररी कोई भी रिंग का आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ये आर ये मीन्स यहाँ पर रिंग है, तो ये रिंग का आर्बिट्ररी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, ये डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक गया, ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए आई डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब ये पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग आर इज डिफाइंड एज इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम। अब ये ऑर्डर्ड सिस्टम बनाते हैं, ऑर्डर्ड सिस्टम मीन्स ऑर्डर्ड मतलब विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ए नॉट सबसे पहले, फिर ए वन है, फिर ए टू है, डॉट डॉट इस तरीके से इन्फिनिटी तक है, ये इन्फाइनाइट ऑर्डर्ड सिस्टम है विथ एटमोस्ट ये फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। इस सेंटेंस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, विथ एटमोस्ट ये फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब मैक्सिमम इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ही नॉन जीरो एलिमेंट होगा। ऐसे तो इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन इस इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम में मैक्सिमम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वही नॉन जीरो होगा, और बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। फाइनाइट नंबर ऑफ, मैक्सिमम फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स आएगा यहाँ पर। तो इन अदर वर्ड्स, इसके बारे में बाद में मैं बात करूंगा, तो इस इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम जिसमें से मैक्सिमम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो इस ऑर्डर सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग आर। ये पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग आर इज डिफाइंड एज इन फाइनाइट ऑर्डर सिस्टम दिस विथ एटमोस्ट ये फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। जरा समझिएगा इसको, जैसे करना क्या है हम लोग को, हम लोग को यहाँ पर कोई रिंग लेना है और इस रिंग का एलिमेंट को लेना है और उसका एक ऑर्डर सिस्टम बनाना है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रख लिए ए नॉट, फिर रख लिए ए वन, फिर रख लिए इसका एक जीरो एलिमेंट, रिंग में एक जीरो एलिमेंट भी होता है, तो उस जीरो को रख लिए, फिर यहाँ पर रख लिए ए टू, फिर यहाँ रख लिए ए थ्री, और इसके बाद जितना भी एलिमेंट है सबको जीरो कर दिए, इसके बाद जितना भी एलिमेंट है सबको जीरो, इसके पहले भी जीरो है, यहाँ पर जीरो है, लेकिन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री मान लीजिए नॉन जीरो है, ये जो चार एलिमेंट है वो नॉन जीरो है और बाकी सब कितना है, जीरो। तो ये एक ऑर्डर सिस्टम बना, और इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम, यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट रिंग का लिया गया है, हालांकि जीरो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट यहाँ पर है इस ऑर्डर सिस्टम में, उसमें से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नॉन जीरो है, ये सभी जो है ए नॉट ए वन ए टू, यहाँ ए टू होगा, ए थ्री कर दीजिए इसको, और यहाँ पर ए फोर कर देते हैं, तो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर, यही चार एलिमेंट जो है, ए टू तो है नहीं यहाँ पर, ए नॉट ए वन ए थ्री और ए फोर यही नॉन जीरो है और बाकी सब क्या है, जीरो है। ए टू भी जीरो है, यहाँ ये ए टू हो जाएगा, ए टू के जगह है जीरो है, ये ए थ्री ए फोर जो है वो नॉन जीरो है, ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट, इसके बाद जितना भी एलिमेंट है सब जीरो है। तो ऐसे ऑर्डर सिस्टम को हम लोग कहते हैं रिंग कहते हैं। एक्चुअली रिंग जो आप पहले से जानते हैं ये वैसा ही बन जाएगा। कैसे वैसे बनेगा, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, जरा समझिएगा, इसको लिखेंगे एफ एक्स को ए नॉट प्लस यहाँ ए वन के साथ में एक्स,
प्लस ये जीरो है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए थ्री एक्स ये एक्स स्क्वायर होता है ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस ए फोर एक्स टू द पावर फोर, बस इतना ही लिखेंगे। इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से। तो इस पॉलीनोमियल को इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, पॉलीनोमियल को एफ एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एफ एक्स होगा। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ का मेंबर होगा, रिंग का मेंबर होगा, और इसमें ये जो है नॉन जीरो एलिमेंट ही सिर्फ यहाँ पर लिखा गया, बाकी जीरो एलिमेंट जो है वो लिखा नहीं गया, लेकिन एक्चुअल जो है वो रिंग इस तरीके से होता है। इसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, बाकी सब जो है वो जीरो एलिमेंट है। तो इसी ऑर्डर सिस्टम को कहेंगे पॉलीनोमियल, लेकिन इसको एक्सप्रेस करेंगे हम लोग इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स टू द पावर फोर, और फिर प्लस जीरो एक्स टू द पावर फाइव प्लस जीरो एक्स टू द पावर सिक्स प्लस जीरो एक्स टू द पावर सेवन, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो है इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग कहेंगे पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग। यहाँ जो भी कोएफिशिएंट है ए नॉट ए वन जीरो ए थ्री ए फोर जीरो जीरो, ये सब जो है वो रिंग का मेंबर है, और ये जो जीरो है वो रिंग का जीरो है। रिंग का जीरो मीन्स क्या होता है कि एक एडिटिव इन्वर्स भी होता है, रिंग में एक एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन है, और एडिशन के रिस्पेक्ट में वहाँ पर एक इन्वर्स आइडेंटिटी भी होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कोई जीरो एलिमेंट कहते हैं रिंग का, तो जीरो एलिमेंट है ये रिंग का। अब जरा देखिए आगे, इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पर अभी छोड़े हुए हैं, उस सेंटेंस को जरा समझिएगा क्या कहता है। इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर जो सेंटेंस बनाए थे कि विथ एटमोस्ट ये फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा, मतलब अधिक से अधिक फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा, इनफाइनाइट नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आएगा, इनफाइनाइट नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आएगा। नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या निश्चित रूप से फाइनाइट होगा, दो एलिमेंट नॉन जीरो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, दस हो, पचास हो, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा, और बाकी जितना भी एलिमेंट है सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उसी को इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट ये नॉन नेगेटिव इंटीजर एन सच दैट, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एन मिल जाएगा, ताकि एन से बड़ा कोई भी हम लोग आई रखेंगे तो उस ए आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एन से बड़ा कोई भी अगर आई रखते हैं तो ए आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एन के जगह यहाँ पर फाइव मिल गया, अब फाइव से बड़ा या एन के जगह फोर ही कहिए, फोर मिल गया, फोर से बड़ा कोई भी अगर आई लेते हैं यहाँ पर तो ए आई निश्चित रूप से जीरो के बराबर है। देखिए एन की जगह फोर है, यहाँ पर एन की जगह फोर है, और फोर से बड़ा अगर आई ले लेते हैं, मान लीजिए फाइव ले लिए, तो ए फाइव जीरो है, ए फाइव है, ये ए फाइव का वैल्यू जीरो है। अगर फोर से बड़ा सिक्स ले लेते हैं तो ए सिक्स जो है, ए सेवन है, ए एट है, वो सब निश्चित रूप से जीरो होगा। इसके पहले भी जीरो हो सकता है, लेकिन इधर वाला तो निश्चित रूप से जीरो होगा ही, इसके पहले भी जीरो हो सकता है। अगर एन से छोटा अगर हम लोग ए टू की बात करें तो ए टू भी जीरो है, लेकिन इसका कहना है कि अगर एन से बड़ा अगर आई रखेंगे तो ए आई तो निश्चित रूप से जीरो होगा, उसके आगे जितना भी है सब जीरो होगा, इसके आगे सारा जीरो होगा, इसके पहले भी कुछ एलिमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन इसका कहना है कि इसके आगे सभी एलिमेंट जीरो होगा। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस ऑर्डर सिस्टम को हम लोग कहेंगे पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग आर, अगर कोई एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल जाए एन, ताकि एन से बड़ा अगर आई रखेंगे तो ए आई का वैल्यू जीरो होगा। अब चलिए इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग उसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूजुअल नोटेशन फॉर पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल को कैसे हम लोग नोटेशन कैसे डिनोट करते हैं वो तो अभी हम लोग देखें ही, लेकिन और क्या तरीका है तो उसके बारे में देखिए कि लेट ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट, इसको पॉलीनोमियल कहते हैं, इस इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम को पॉलीनोमियल कहते हैं। बी ए पॉलीनोमियल ओवर ये रिंग आर, रिंग आर में है मतलब ये जितना भी एलिमेंट है यहाँ पर वो सारा रिंग का मेंबर है। दिस पॉलीनोमियल इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से डिनोट करते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि इस पॉलीनोमियल को लिखेंगे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से। तो ये ए नॉट में एक्स नहीं होता है, यानी कि एक्स टू द पावर आप जीरो कह सकते हैं, ए वन जो सेकेंड एलिमेंट है उसमें एक्स रहता है, यहाँ ए टू एक्स स्क्वायर रहता है इसके साथ में। तो यहाँ पर एक्स है क्या, ये सारा तो रिंग का मेंबर है, एक्स क्या है, एक्स सिर्फ एक सिंबल है, एक्स रिंग से कोई लेना देना इसका नहीं है, एक्स जो है
हेयर एक्स इज ओनली ए सिंबल एंड इट इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट। ये सिर्फ एक सिंबल है, एक्स के जगह वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्स ही यूज करें। और इसको रिंग से कोई मतलब नहीं, रिंग से कोई लेना देना नहीं है इसको। एक्स जो है वो सिर्फ एक सिंबल है और इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आर, ये रिंग का मेंबर नहीं होता है, कोई भी सिंबल हो सकता है यहाँ पर। और द एलिमेंट्स ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल, और ये सभी कोएफिशिएंट कहलाता है। इस पूरे को टर्म कहते हैं, पॉलीनोमियल का टर्म कहते हैं। ए वन एक्स एक टर्म हो गया, ए नॉट एक टर्म हो गया, ए टू एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, और ये जो है वो इसके साथ में एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये वो पॉलीनोमियल का कोएफिशिएंट कहलाता है। तो ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। और द डिफरेंट फॉर्मल पावर सिंबल्स एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये अलग अलग जो है, यहाँ पर एक्स टू द पावर आप जीरो कह सकते हैं, इसका पावर वन, एक्स का पावर टू, एक्स का पावर थ्री, ये सब जो है डिफरेंट सिंबल है, आर मीन जस्ट टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द करिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट। ये सिर्फ करिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का पोजिशन बता रहा है, ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स का पावर वन में मतलब ये सेकेंड पोजिशन में आएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया वो थर्ड पोजिशन में जाएगा, एक्स क्यू का मतलब हो गया कि वो फोर्थ पोजीशन में रहेगा एलिमेंट। तो ये सिर्फ पोजीशन बता रहा है एलिमेंट का। और द सिंबल प्लस कनेक्टिंग द टर्म्स इन द पॉलीनोमियल, ये टर्म मैं बता रहा था कि ये टर्म कहलाता है, ये भी टर्म कहलाता है, तो प्लस क्या है, प्लस क्या है? रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होता है, जिसको एक को प्लस से डिनोट करते हैं और एक को मल्टीप्लीकेशन डॉट से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लस है वो रिंग का प्लस नहीं है, रिंग में जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस यूज करते हैं वो प्लस यहाँ पर नहीं है। ये प्लस जो है वो सिर्फ दो टर्म को कनेक्ट करने के लिए लगाया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सिंबल प्लस कनेक्टिंग द टर्म्स इन द पॉलीनोमियल, ये जो पॉलीनोमियल हैज़ नो बियरिंग विथ द एडिशन ऑफ द रिंग आर। ये जो टर्म्स है पॉलीनोमियल में, उस पॉलीनोमियल के टर्म को कनेक्ट करने के लिए इस प्लस को लगाया गया है, उसको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, उसका रिंग के एडिशन से कोई मतलब नहीं है, रिंग के एडिशन वाला यहाँ पर प्लस नहीं है। तो एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये जितना भी है वो सभी को कोएफिशिएंट कहते हैं, ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट, वही एक रिंग का मेंबर होता है। एक्स जो है वो एक सिर्फ सिंबल है, वो रिंग का मेंबर नहीं होता है, उसके जगह कोई भी दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ये जो प्लस है वो प्लस जो है वो रिंग का एडिशन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ दो टर्म को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए प्लस लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। ऑल्सो द जीरो अपियरिंग इन द पॉलीनोमियल इज द जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, अगर किसी पॉलीनोमियल में जीरो लिखा हुआ कोएफिशिएंट अगर जीरो है तो वो रिंग का जीरो एलिमेंट होता है। रिंग में एक जीरो एलिमेंट होता है, मैं डिस्कस कर रहा था, तो वो जो है जीरो वो रिंग का जीरो एलिमेंट होता है। और इफ इन द पॉलीनोमियल, अगर ये पॉलीनोमियल की बात करें तो जहाँ पर ए आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए नॉट है पहला टर्म, फिर ए वन है, फिर ए टू है, डॉट डॉट ए एन तक है, इसके बाद वाला सब क्या है, एन से जैसे ही ज़्यादा रखेंगे आई का वैल्यू तो ए आई जीरो है, तो एन तक होगा, और उसके बाद एन प्लस वन अगर रखते हैं तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, एन प्लस टू रखते हैं तो उसका वैल्यू जीरो होगा, तो इसके बाद वाला सारा जीरो है। तो नॉन जीरो एलिमेंट यहीं तक है, इधर भी कोई जीरो हो सकता है लेकिन इसमें से कोई जीरो होगा, सभी जीरो नहीं है, तो लेकिन इसके बाद जितना भी है वो सब क्या है, जीरो है। तो इस पॉलीनोमियल को अगर ऐसा कोई पॉलीनोमियल है जिसमें ए आई इक्वल टू जीरो फोर ऑल आई ग्रेटर देन एन, देन दिस पॉलीनोमियल इज ऑल्सो रिटर्न, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, सबसे पहले ये जो पॉलीनोमियल होगा ए नॉट ए वन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज करके, दैट इज ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन तक रहने देते हैं, और बाकी एलिमेंट सब क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट होता है, बाकी सब एलिमेंट जीरो है। इसी को अगर हम लोग एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन, और उसके बाद जो एलिमेंट है वो सब जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा, जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस टू हो जाएगा, तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम लोग यहीं तक लिखेंगे। और इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा ए आई एक्स टू द पावर आई और आई का वैल्यू जीरो टू एन तक, देखिए आई के जगह जीरो पुट करते हैं तो ए नॉट आ जाएगा, एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू वन, आई के जगह वन पुट करते हैं तो ए वन एक्स टू द पावर वन, फिर ए टू एक्स टू द पावर टू डॉट डॉट एन तक पुट करेंगे तो ए एन एक्स टू द पावर एन तक आ जाएगा। तो ये जो पॉलीनोमियल है जिसका
ए एन तक नन जीरो है या इधर कोई जीरो हो सकता है लेकिन ए एन जो है वो नन जीरो है, बाकी इधर जितना भी है सब जीरो है इसके बाद, तो वैसे केस में इस पॉलीनोमियल को सिग्मा के भी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हुआ पॉलीनोमियल को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल में जैसे मैं मान लेता हूँ कि लेट आई प्लस जीरो सॉरी प्लस डॉट यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लीकेशन बी ए रिंग, ये एक रिंग है। तो यहाँ पर देन एफ एक्स से डिनोट करते हैं पॉलीनोमियल को, एफ एक्स इक्वल टू टू प्लस माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स क्यू, और उसके बाद आगे नहीं, उसके बाद सभी टर्म जो है वो जीरो है। तो ये कोएफिशिएंट देखिए इंटीजर से, ये रिंग है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो 2 माइनस 3 माइनस 4 5 ये सब कोएफिशिएंट हो गया। ये कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स का एलिमेंट है यानी इस रिंग का एलिमेंट है, और यहाँ पर इसके बाद वाला जितना भी है वो सब जीरो है। तो ये हो गया इज ए पॉलीनोमियल, ये एक पॉलीनोमियल हो गया इज ए पॉलीनोमियल और पॉलीनोमियल ओवर रिंग आई, ये जो रिंग आई है उसमें ये पॉलीनोमियल डिफाइन किया गया है। तो ये मैं आज जो बताया हूँ सिर्फ पॉलीनोमियल का डिफिनेशन बताया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, पॉलीनोमियल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ। अब दो पॉलीनोमियल का एडिशन भी होता है, दो पॉलीनोमियल इक्वल भी होता है, दो पॉलीनोमियल का मल्टीप्लीकेशन भी होता है। तो पॉलीनोमियल के बीच में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, और उस दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में पूरा पॉलीनोमियल जितना भी पॉलीनोमियल एक रिंग का बन सकता है उसका एक सेट बना लेंगे तो वो खुद एक रिंग बन जाता है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में बस यहीं तक, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।